मोर्चा जिंदाबाद, ऑल इंडिया एंटी करप्शन मोर्चा जिंदाबाद, श्री मंत्र मिशन सरस्वती जी जिंदाबाद, आज पंजाब पार्टी जिंदाबाद। आज पंजाब पार्टी और एंटी करप्शन मोर्चा के सुप्रीमो महंत रमेशन सरस्वती जी के दिशा निर्देशों से अज आस पंजाब पार्टी ते ऑल इंडिया एंटी करप्शन मोर्चे की समुची टीम जिदे च नैशनल अहदेदार और पंजाब के अहदेदार और जिले के अहदेदार और वर्कर साहबान सारे ही बैठे ने। अज असी प्रेस कॉन्फ्रेंस इस करके की है कि पंजाब सरकार जड़ी है ये कह के आई सी कि असी बदलाव की राजनीति जड़ी है असी बदल देना पंजाब नू जो पंजाब दी पिछलियां सरकारां ने कीता वो असी नहीं करना असी उन्होंने उल्ट लोगों नू बहुत ज़्यादा असियां बहुत सहूलत देनियां। पौने दो साल बीत गए ने पौने दो साल च लोगों दी सहूलत देने की बजाय सहूलत सारिया खोलियां गईं। ये अन्ना हजारे दे अंदोलन तो निकली पार्टी ने इन्होंने उदों कहा सी कि जड़ा एक लोकपाल बिल असी पास करांगे RTI के जो सूचना के अधिकार है उसका बहुत जरा लोगों तरीके ये अधिकार का वरतों करने की इजाजत देंगे। बड़े अफसोस की गल है कि पंजाब सरकार का सूचना विभाग बिल्कुल डम्मी होकर बह गया और जिने भी मंग पत्र जाते हैं सरकार के कोल अज तिकन सरकार के कोलों कोई भी जवाब किसी भी नहीं मिले। ऑल इंडिया एंटी करप्शन मोर्चा आस पंजाब पार्टी दी तकरीबन मेरे ख्याल 40 to 50 मंग पत्र जड़े ने पंजाब सरकार नू जा चुके ने और पंजाब सरकार ने उहदा कोई अज तक जवाब नहीं दिता। इस तो यह साबित हुंदा कि पंजाब सरकार सिर्फ गल्लां करके बदलाव की राजनीति नू कह के सरकार ने सरकार बना ली लोगों नाल धोखा कर लिया लोगों नू सहूलतां कोई नहीं दित्तियां और जे सूचना अधिकार के तहत कोई जानकारियां आईया पिछलियां सरकारां जदों कोई रैलियां करदियां सी उस सरकारी बसों का इन जरा वरतों कर दियां सी हुण ये सरकार ने भी इहो कीता जदों भी कोई रैली करदियां सरकारी बसां जांदियां। पिछले दिनी 13/9/2023 नूं MNS स्कूल का उद्घाटन छियाटा च कीता गया। सब तो वड्डी गल तो है देखो कोई भी छोटे तो छोटा उद्घाटन करना दिल्ली का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आ के उद्घाटन कर रहा ये पंजाब की जनता वास्ते बहुत ही शर्म की गल आ कि साढ़े को पंजाब दे चुनिया हुआ मुख्यमंत्री होवे ते ओ ना करके दिल्ली का मुख्यमंत्री आ के इत्थे करे ते इत्थे सरकार की मंशा की कहती है। पिछलियां सरकारों ने भी किए इस सरकार ने कड़ा घट कर दी भी है पौने दो साल हो गए इन्होंने अपना पोर्टल बंद किया आ ना कोई नवा राशन कार्ड बनया जिन्हां दे कार्ड कट्टे गए ने कई इहो जिहे परिवार ने जिन्हां दे घर दे छत्ता है नहीं उन्हां दे कार्ड कट्टे गए ते कई इहो जिहे जिन्हां कोल मर्जी कारां जिहड़े बहुत रईस है उन्हां दे कार्ड चलदे पए ने। इहनां मुद्दिआं नूं असीं अगां लै के जा रहे हां। मैं पिछले मैं बसां दी गल करदा पिआं RTI तहत असीं एक जानकारी कढाई है जिहदे विच अमृतसर 2 to 94 बसां रोज़ चलदियां सी वख-वख रूटां ते 13/9/2023 नूं 74 बसा नहीं चलदियां। अमृतसर 1 to 73 बसा चलदियां सी ते 40 बसा नहीं चलदियां उसका खर्चा आम पब्लिक दे पै गया बसा सरकार लै गई ते खर्चा पंजाब सरकार दा जिहड़ा आम पब्लिक दे पै गया। साडी इह मंग है कि इस दी भरपाई जिहड़ी है जनता ते ना पाई जे आम आदमी पार्टी कोल इस दे पैसे वसूले जाण। चंडीगढ़ का किन्ना किराया सब दे किराया गिन के एक बस 60 सवारियां दे करीब बहिंदियां ये सारा खर्चा आम आदमी पार्टी को लिता जाए ये साड़ी बड़ी वड्डी मांग है। जड़ा आस पंजाब पार्टी और ऑल इंडिया एंटी करप्शन मोर्चा अगे काम करन जा रहा ये सरकारां दे जिहड़े वादे कीते सी कि पहले दिन सरकार जिस दिन बनेगी साढ़े हरे पैन की शाही जिहड़ी है उस दे नाल साइन अही करांगे कि जिहड़ियां औरतां उन्हां नूं 1000 रुपया महीना हर महीने पएगा फार्म भरे गए गलियां च जा के चौंकां च बह के लोगों नाल एक धोखा किया। इन्होंने कहा कि पेंशन असी 2500 रुपये महीना कर देंगे वह भी अज 1500 ही है। फिर इन्होंने राशन कार्ड कटते आ मतलब कि इन्नी कु बुरी हालत हो गई लोगों की ना नवे राशन कार्ड बनते पे ने फार्म इन्होंने भी भरे कई चौंकों च हले तिकन बोर्ड लगे ने कि 18/10/2023 इस दफ्तर फार्म भरे जाएंगे राशन कार्डा के अज
देखो किन्ने हो गए ने फार्म ना भरे गए लोगों को एक मतलब कि धोखे दे विच ले जा रहे हैं। महला क्लीनिक खोल दिते जिते महला क्लीनिक खुले उत्थे सुविधा केंद्र पहले गए सी लोगों के सुविधा केंद्र खोल के महला क्लीनिक खोलते वह भी पूरे नहीं चलते। आस पंजाब पार्टी जल्दी ही पहला मंग पत्र जरा असी सरकार नूं बाद च भेजांगे पहला शहर के जिहड़े पंजे MLA आ पहला मंग पत्र सोमवार 18/12/2023 नूं पंजा MLA नूं साडे वख-वख अहुदेदार पंजा MLA नूं अपनी टीम बना के इक्को टाइम ते टाइम ही दस देंगे किन्ने बजे दा इक्को टाइम ते पंजा MLA नूं मंग पत्र दित्ते जाणगे 1000 रुपया महीने का ते पेंशन का। दूसरा मतलब कि 25/12/2023 नूं दूसरा मंग पत्र जरा राशन कार्डां दे मसले ते दिता जाएगा जिहड़े कट्टे गए ने जिहड़े ना ऐड नहीं हो रहे इस सिलसिले दे विच 25 नूं दिता जाएगा। पहली तरीक नूं तीसरा मंग पत्र पंजा जिहड़े तिन्ने मंग पत्र जिहड़े असीं MLA नूं आ पंजा नूं उस तो बाद सरकार वल जावांगे पहला पंजा MLA दिया यह आवाज़ तो लोगों की चुकन किड्डे शर्म की गल पंजा MLA की आवाज़ ही नहीं निकलती भी अमृतसर के चों किसी की पब्लिक की की डिमांड है ऐ घर बह के सुते ने लोगों दी वोटां नाल जीत गए उसले कहंदे सी ऐ करांगे वह करांगे। तीसरा मंग पत्र जिहड़ा जिहड़ियां लोगों नूं इसलिए मुश्किल आ रही NOC दियां किसी ने मकान बेचना वह भी NOC कारपोरेशन च लै के आए वह भी मेरे ख्याल 400 के करीब गज के हिसाब नाल पैसे पै रहे हैं गरीब बंदा कितों देगा इनू घट किया जाए। और MTB डिपार्टमेंट जी घपलेबाजी चलती पी है जो रोज़ अखबारों च आ रहा कि किनिया बिल्डिंगा नजायज बनिया इसकी इनकुआरी की जाए इसका मंग पत्र असी 3 सोमवार लगातार पंजा MLA देंगे जे साड़ी डिमांड ना पूरी हुई तो अगला एक्शन जो होएगा वो असी अपनी राष्ट्रीय प्रधान श्री मंत्री मिशन सरस्वती दिशा निर्देशों आस पंजाब पार्टी आल इंडिया एंटीकरप्शन मोर्चे की अज हलका नॉर्थ मास्टर मनजीत जी के ग्रह विखे प्रैस कॉन्फ्रेंस की गई है। एक जो पंजाब सरकार की जी घपलेबाजी है भगवंत सिंह मान मुख्यमंत्री पंजाब के उन्होंने दसना चाहता वा जिदा उन्होंने दावे किए ही भी आप करप्शन मुक्त करा बैनर वे वे पोस्टर भी लगाए ही वो सीधा झूठ की FIR नंबर 11 थाना DDVN के विजिलेंस वालों कराई गई सी एक करप्शन वो संबंध में मुख्यमंत्री ने आप चिट्ठी भी भेजी भी तुम्हें क्या भी जिसे करप्शन करेंगे उन्होंने डिसमिस किया जाएगा जल्द जल्द उन्होंने नौकरी तो डिसमिस किया जाएगा पर यह गल्लां जी इन्होंने किया ही उन्होंने अज भी वह बंदे जो करप्ट अफसर ने ड्यूटी से मौजूद हैं अमृतसर के मौजूद हैं वक् वक् डिपार्टमेंटा के भी कई करप्शन ज़्यादा होन दी है कोई मिसबिहेवियर कर रहा सरकारी मुलाजम जिहड़ा कि अज इस कोई ठल नहीं पाई गई आम आदमी पार्टी वालों तो पंजाब सरकार जा रहे ही उन्होंने लुट खसुट हुई है उन्होंने को स्कूटरी भी खोली है उन्होंने को की कहते हैं गहना भी खोया गया तो पंजाब पुलिस घूम करने की नींद सुती हुई है। आने वाली नगर निगम चोणां हले तो भगवंत सरकार भज रही है वह चोणों तो दूर हैगी है वह चोण करा चो बहुत अलगर्जी कर रही है जिदा कि ती पिछे ही वेख्या नतीजा आम आदमी पार्टी का तो नामो निशानी खत्म हो गई अगे ना वह तो उम्मीदवार खड़ी करेगी वह भी नौजवान युवा पीढ़ी जिड़े कि पढ़े लिखे कार्यकर्ता उम्मीदवार लानेगी जिदे सरकार पूरा मत्था लगाएगी जी। सर जिदा हम नवी वार्डा हुई हैं वोटर सूची बनी है हर वार्ड वार्ड प्रधान इन्ना पता भी हम अगे नालों 5 to 7000 वोट वधी है हर वार्ड के वधी है कई वार्डा के इलाके होर ज़्यादा क्रेज होए ने ऐड होए ने। हाँ जी वरिंदर मौदगिल है तो पहली गल जिमें कैप्टन साहब ने गुटका हाथ से फड़ के सहु खाधी सी कि मैं एक महीने के खत्म करा देंगा नशा उस तरह से चलद इन्होंने जनता को मूर्ख बनाते हो सौं खाधी या वादा किया कि असी इन्ने जिलों में नशा मुक्त कर देंगे पंजाब नू। और मैं नहीं कहता तुसी पत्रकार जे तुसी इस गल का वेख्या होना अखबारां पढ़ते जे अखबारां लिखते जे तो वेख्या होना भी वह नशा अगे ना वध्या कि घटिया नशा डबल
ਵਿਕਦਾ ਪਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਉਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਵੀ ਵਧੀ ਹੈ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਹਿਕਮਾ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਰੁਕੀ ਹੋਵੇ ਰੁਕਣ ਦੇ ਤਾਂ ਛੱਡੋ ਉਹ ਹੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੁਣ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ 1,000 ਰੁਪਏ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ 2,000 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਕਾਰਨ ਉਹ ਬੜੀ ਸਖਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਸਖਤੀ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਯੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ